हे गाइस, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो पहले मैं रीड आउट करूंगा कुछ पोर्शन को, फिर उसे डीपली समझेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे हाईलाइट करते चलेंगे। इन अ हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्लीज, हाइपर मीन्स मोर देन नॉर्मल और टू मच। मार्केट प्लेस कंपनीज कैन ऑपरेट सक्सेसफुली बाय चीटिंग सॉरी क्रिएटिंग और डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट कस्टमर्स एंड ऑल्सो लर्निंग हाउ टू अडॉप्ट अ कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। अगर हमें मार्केट में कंटिन्यूसली सर्वाइव करना है या किसी बिजनेस को सर्वाइव करना है तो जरूरी है कि अपने मार्केट प्लेस को समझे वो, देन उन कंपनीज को समझे जो उसके अगल बगल वर्क कर रही हैं, देन एक कस्टमर के वैल्यू को समझे, कस्टमर टारगेट किस कस्टमर को टारगेट कर रहा है, इट मींस पुअर कस्टमर, कम अर्निंग वाले को, देन लार्ज अर्निंग वाले को, देन किस एरिया को भी टारगेट कर रहा है, किस एरिया कस्टमर को, सपोज इंडिया के हो गए या फॉरनर, एंड उन सभी को लर्न करते हुए उनको कंटिन्यूसली अडॉप्ट करना है उन चेंजेस को जो उस बिजनेस के एनवायरमेंट में हो रहे हैं। सो टू मीट चेंजिंग कंडीशन इन देयर इंडस्ट्रीज, कंपनीज नीड टू बी फार साइटेड एंड विजनरी। व्हाट डू यू मीन बाय फार साइटेड एंड विजनरी? दूरदर्शक, यानी इट मींस दूर तक आप देख सके, समझ सके, और विजनरी मीन्स आपको क्या कहाँ पहुंचना है, इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कहाँ ले जाना है, आप अपने बिजनेस को कहाँ देख रहे हैं। इट मीन्स अगर किसी भी इंडस्ट्री को अपने बिजनेस को कहीं पहुंचाना है तो उसे अपने चेंजिंग एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा, कंडीशन समझना पड़ेगा, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि वो फोरसाइटेड भी हो और विजनरी भी हो, एंड मस्ट डेवलप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाए। स्ट्रेटजिक प्लानिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी टू मीट कंपटीशन एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है एक कंपोनेंट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, जिसमें इन्वॉल्व है डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी, किसमें, स्ट्रेटजी प्लानिंग में, और कंपटीशन को मीट करना और अपने सर्वाइवल और ग्रोथ को बनाए रखना इन लॉन्ग टर्म। सो ये हो गया स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जो कि एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड, टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सो दैट द कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर द मार्केट, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवर ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एसएम का, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, उन्हें दो फोल्ड में समझते, मतलब दो पहलू समझते। पहला तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मींस एडवांटेज ओवर राइवल्स, यानी उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे कुछ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज क्रिएट करना। सपोज आप किसी कंपनी के पास नहीं जो चीज, वो आपको अपने बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है,
जिससे क्या होगा, कंपनी और परफॉर्म करेगी, और परफॉर्म मतलब बेहतर किससे, इन कंपटीटर्स, इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस ओवर मार्केट, जिससे कि अगर आप कंपटीटर से बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, उससे अच्छा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इन कस्टमर कस्टमर के लिए, तो वो आपको, आप ज्यादा मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर को कवर कर पाएंगे। सो डोमिनेंस ओवर मार्केट, यानी मार्केट में राज करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। सेकंड है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। टू गाइड, पहला तो टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, दूसरा टू गाइड। गाइड मीन्स आपने जनरली ट्रेवल में सुना होगा गाइड गाइड गाइड, सो उसका गाइड का यहाँ पर मीनिंग समझते हुए, गाइड मीन्स आपको वे दिखाना, रास्ता, गाइडर होता है ना, वो आपको रास्ता दिखाता है। इवन तो आप जा सकते हो, आप पहुंच सकते हो, लेकिन वो एक प्रकार मैप का काम करता है। सो टू गाइड द कॉम्पिटिटिव कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जो भी चेंज हो रहे हैं उसको थ्रू कैसे निकलना है, कुछ भी कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज में से रास्ता बनाते हुए या खोजते हुए कैसे भी निकलना है, ये कौन गाइड करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड द रिपेल इफेक्ट। व्हाट इज माय रिपेल, रिपेल मीन्स होती है वेव, जैसे वाटर की वेव होती है ना, लहर। सो इफेक्ट क्रिएटेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर कोई भी चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, वो कहीं ना कहीं एक लहर की तरह होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, ठीक है। चेंजेस कैन बी एक्सटर्नल टू द फर्म और दे मे बी इंट्रोड्यूस इन अ फर्म बाय मैनेजर्स। चेंजेस मे बी फर्म इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल, एग्जांपल पॉलिटिकल हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है। इंटरनल या तो मैनेजर के द्वारा, एम्प्लॉय द्वारा, या फिर जो आपको सप्लायर हो सकते हैं, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। सो इट मे मैनिफेस्ट इन द ब्लरिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड फर्म बाउंड्रीज ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी डी रेगुलेशन और थ्रू ग्लोबलाइजेशन। द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कंपनी स्ट्रेटजीज आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द मैनेजिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। सो अगर हम देखें तो मैनिफेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब टू बी शोन क्लियरली। वॉट टू बी शोन क्लियरली, ब्लर मीन्स धुंधला दिखना। सो अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी जो है वो एक इंडस्ट्री को किसी ब्लर पोर्शन, यानी ब्लर यानी अनसर्टेनिटी से एक क्लियरिटी मिलाती है, ठीक है। अब ये हो सकता है एनवायरनमेंट, चाहे तो टेक्नोलॉजी के कारण या फिर डीरेगुलेशन के कारण या फिर ग्लोबलाइजेशन के कारण हो सकता है। सो द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, मतलब अगर देखा जाए तो इंटरप्राइज का मेन तभी वर्क कर सकती है जब एक सोची समझी स्ट्रेटजी बनाई गई हो। सो इम्प्लीमेंट, क्राफ्टिंग और एग्जीक्यूटिंग भी जरूरी है। क्राफ्ट तो बन तो गई, उसे इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। हार्ट और सोल ऑफ द मैनेजिंग एंटरप्राइज, इट मीन्स एज अ हार्ट और सोल की तरह वर्क करता है। जिस प्रकार हार्ट का वर्किंग एग्जीक्यूटिंग बहुत जरूरी है, और सेम उसी प्रकार इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को भी इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, केवल क्राफ्टिंग से काम नहीं होगा। सो द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग
एंड एंड आ स्ट्रेटेजिक विजन सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्राफ्टिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटिंग इवेल्यूएटिंग एंड स्ट्रेटेजी एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। सो यहाँ पर थोड़ा वर्ड को और डीपली समझेंगे। विजन, विजन मीन्स क्या है, चैप्टर थर्ड में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पर विजन मीन्स बिकम या वॉन्ट टू बी, वॉन्ट टू बी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, या फिर से और भी अगर बोला जाए तो शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना है ये डिफाइन करता है शॉर्ट टर्म गोल। क्राफ्टिंग में आप जानते हैं बनाना होता है, और इम्प्लीमेंटिंग मीन्स एग्जीक्यूट करना होता है। देन इवेल्यूएटिंग और वैल्यूएटिंग, वैल्यूएशन दोनों में डिफरेंस है, यानी इवेल्यूएशन और वैल्यूएशन दोनों डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इवेल्यूएशन और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। एंड इनिशिएटिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट एंड वेयर डिमांड अप्रोप्रिएट। सो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को, जो कि मैनेजर प्रोसेस है, उसे डेवलप करना, मतलब डेवलप करना एक आइडिया सोचना माइंड में, देन ऑब्जेक्टिव सेट करना, यानी उसे उसे शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना। कोई भी प्लान होता है उसे पहले लॉन्ग टर्म सोचते हैं, हमें ये बनना, चलो सीए बनना है, देन शॉर्ट टर्म हो गया कि हमें सीपीटी पास करना है या सीए फाउंडेशन, देन आईपीसीसी या फिर इंटरमीडिएट, देन आर्टिकलशिप, देन सी फाइनल, ये हो गया ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट टर्म गोल्स। क्राफ्ट हो गया, क्राफ्टिंग तो हो गई, इसमें मतलब कि एक पेपर वर्क में कर दिए, पेपर का डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, एज अ डॉक्यूमेंट आपको आप सबमिट करते हैं अपना फॉर्म, जब तक आप एडमिशन नहीं लेंगे उस फील्ड में तो इट मीन्स आपने कुछ किया नहीं, स्ट्रेटजी बनाई नहीं। सो देन इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट यानी एग्जाम देना, पढ़ाई करना और हार्ड वर्क करना, जिससे अचीव हो सकती है वो पोजिशन और हम सीए बन सकते हैं। देन इवेल्यूएटिंग मतलब एक तरह से उसे समझना कि क्या हम जो स्टैंडर्ड ब्रांच चल रहे हैं, जो जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए इस मंथ में, जिससे हम मई में पास हो चुके या फिर एग्जैक्ट रैंक ला सकें जो सोच रहे हैं, तो उसके लिए क्या वो परफॉर्मेंस बेटर है या उससे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो देन इनिशिएटिव करेक्ट एक्शन, यानी अगर सपोज आप कम पढ़ाई कर रहे हैं डेली, आप अगर मिनिमम 3-4 आवर्स भी नहीं पढ़ रहे तो समझ लीजिए फिर लक वाइज चांस है आपका। सो यहाँ पर स्ट्रेटजी इस पर वर्क करती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट द कंपनी विजन। मैं एक बार मार करते चलता हूँ जिससे आपको समझ आए कि मैं कहाँ पर रीड आउट कर रहा हूँ। कंपनी विजन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बोथ स्कैनिंग मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग बैठाना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, देन तो यहाँ तक हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। अब इतनी लंबी मीनिंग याद करने से अच्छा कुछ दो वर्ड में समझते हैं। पहले स्ट्रेटेजिक मीन्स अ गेम प्लान, और मैनेजमेंट में मैनेज करना, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो आप उसमें प्लान करते हो कि कैसे उसे विन करना है, क्योंकि अगर देखा जाए स्ट्रेटजी वर्ड भी वॉर से आया है, मतलब वॉर सब
वॉर टाइम में वॉर वर्ड से जनरेट हुआ है। तो वॉर गेम एक प्रकार से स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान। तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, तो आप किस प्रकार उस प्लान को मैनेज कर रहे हैं इसमें पूरा स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, ठीक है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग द कंपनीज विजन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो विजन बताया मैंने कि व्हाट यू वांट टू बिकम, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। आप कोई भी प्लान बनाते हो तो आप सपोज किसी बिजनेस के बारे में प्लान बना रहे हो क्योंकि वो आगे कैसे वर्क करेगा, आपने डिसाइड कर लिया कि उसको कहाँ तक जाना है, तो कहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। आप एक टारगेट बनाते हो, एक विजन सेट करते हो, देन उसके बाद आप वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा वर्क, उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट को आप समझते हो। एक्सटर्नल एग्जाम्पल सोसाइटी, इंटरनेशनल मार्केट, पॉलिटिक्स। अगर इंटरनल की बात की जाए तो एम्प्लॉई जरूरी अच्छे से वर्क करें, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, देन फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। ओके, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। सो ये तीनों, ये चारों बहुत जरूरी हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स मेजर करना, कोई भी परफॉर्मेंस को मेजर करना। कंट्रोल यू आर यूजुअली नो कि कंट्रोल उसे एक जो स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिस वे से चलना है, जिस स्टैंडर्ड में मेंटेन किया, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसी फ्रेमवर्क में उसे मैनेज करना। ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एम्फेसिस द मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द लाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एंड डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अपॉर्चुनिटीज मीन्स क्या, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ के बीच क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ होता है इंटरनल, इंटरनली जब अपने आप राइवल, अपने राइवल से कंपेरिजन करते हैं तो आप शो करते हैं मैं इस चीज में उनसे आगे हूं। तो अपॉर्चुनिटीज भी एक प्रकार से अनसर्टेनिटी ऑफ बेनिफिट ऑब्टेंड इन फ्यूचर बाय स्ट्रेंथ, इट मींस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है स्ट्रेंथ से। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आप किसी राइवल्स या कॉम्पिटिटर से किस चीज में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, देन वही स्ट्रेंथ आपको एक अपॉर्चुनिटी बाद में प्रोवाइड कराती है जो कि अनसर्टन है। मतलब कोई अनसर्टन चीज या अनसर्टन एक्टिविटी या अनसर्टन इवेंट है जो आपको बाद में बेनिफिट प्रोवाइड कराए, किसके रीजन से, स्ट्रेंथ होने के कारण, वो होती है अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर बात की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेंथ मीन्स जो अभी आपके पास है, नाउ यू आर इन, ठीक है, वो आपके पास है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो अनसर्टन है, कोई भी बेनिफिट जो आपको बाद में इवेंट हासिल हो सकती है या फिर वो आपको बाद में मिलेगी, वो अनसर्टन है, ठीक है। अगर देखा जाए थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स होते हैं अनसर्टन लॉसेस या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस इन फ्यूचर बाय वीकनेस। वीकनेस के कारण कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है जो आपकी लॉस हो, ये लॉस में चेंज हो सकती है, ये लॉस हो सकती है, लॉस अभी है नहीं फिलहाल लेकिन हो सकती है एज अ लॉस इन फ्यूचर। तो आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजीज। हाँ, पहले आपको मतलब समझा दूं पूरी लाइन का। ओरिजिनली कॉल्ड बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जैसे मैंने पढ़ा कि ओरिजिनली पहले बिजनेस पॉलिसी था इन 1911 में
हार्वर्ड स्कूल ने इन्हें रिकॉग्नाइज किया एज अ कोर से। देन उसके बाद बिजनेस पॉलिसी में चेंज हुआ जिसे एज अ फ्रेमवर्क बोला गया। उसमें बिजनेस पॉलिसी में मेनली प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस था। बाद में स्ट्रेटजी वर्ड में कन्वर्ट हुआ स्ट्रेटजी या फिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जिसका मीनिंग होता है जिसका ज़्यादा एम्फेसिस ज़्यादा फोकस था उनके कंट्रोल इवेल्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग में। ठीक है सो वही बताया गया कि स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट जो अपॉर्चुनिटी होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वो ज़्यादा फोकस करता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को किनके बेसिस पर स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पर और सेम उसको ऐसे डिजाइन करता है स्ट्रेटजी को जिससे आगे उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ कन्फर्म हो सके मतलब एक एग्जिस्ट हो सके वो बिजनेस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरमेंट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मुझे जिस लाइन में लगेगा कि आपको समझाना है उस लाइन में मैं आपको समझाऊंगा बाकी एज इट इज रीड करता जाऊंगा। जहाँ पर लगेगा कुछ वर्ड मीनिंग बताना जरूरी है उसे मैं बताते भी जाऊंगा। रीजन मैं उन सेंटेंस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं केवल आप रीड आउट करके अपने आप अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हैं समझ जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में एज अ डाउट पूछ सकते हैं। मैं उन वर्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जैसे कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जनरली लोगों को इसकी मीनिंग नहीं पता होती कि यहाँ पर ये क्यों आया ये क्यों यूज किया गया। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको देन उसको बिजनेस के एग्जांपल के थ्रू कन्वर्ट करूँगा। सपोज यू आर इन सेल्स पोजीशन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पोजीशन में हैं एज सेल्स पर्सनल सेल्स एग्जीक्यूटिव तो आप डेली हर मंथली आप सेल कर पाते हैं 5 लाख की ओके ठीक है। और आपको कोई फ्रेंड जो कि 50,000 कमा रहा है मंथली आप 5 लाख कमा रहे लेकिन वो 50,000 कमा रहा है और दोनों सेल्स एज अ सेल्स बैकग्राउंड से हो लेकिन आपको डर है कि अगर सपोज ये कंपनी बंद हो गई अगर मैंने सेल्स नहीं किया तो कहीं ना कहीं मुझे निकाला जा सकता है और मतलब हर सेल्स पर्सन को ऐसी डर रहता है क्योंकि उसके सेल्स पर डिपेंड रहता है उसका अर्निंग। सो अगर उसे निकाला जाता है तो आगे वो क्या करेगा किस कंपनी में जॉब करेगा या किस कंपनी में कैसे उसे जॉब मिलेगी ये एक तो एक डर हो गया ठीक है। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सपोज जो 50,000 कमा रहा है वो उसे ऐसा डर नहीं होगा कि आगे वो अगर कंपनी से उसे फायर्ड कर दिया गया फायर्ड तो वो क्या करेगा या किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा। तो क्या है कि कुछ लोगों ऐसे अपने अंदर वो रहता है कॉन्फिडेंस रहता है कि वो आगे और अच्छे अगर वो 50,000 के अभी जॉब कर रहे हैं तो आगे और भी ज़्यादा बड़ी पोजिशन में जा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे सेल कर सकते हैं। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसी पर बेस्ड है। इट मीन्स यहाँ पर थोड़ा और नीचे समझते हैं मीनिंग ये जो प्रोपेगेट दिया गया ये डॉर्विन के द्वारा दिया गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन पर भी आपको लागू होता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर केवल वो टॉप में और कर रही है जैसे अंबानी एग्जांपल दे रहा हूँ तो क्या उन वो मेनली बात ये नहीं कि वो सबसे ऊपर हैं ये सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं मेनली बात है कि क्या वो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको अडॉप्ट कर पाने की नहीं कि जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया सेल्स पर्सन पहला जो 5 लाख में अर्निंग कर रहा है वो जॉब चेंज होने के बाद जॉब से निकलने के बाद वो उतना अर्न नहीं कर सकता या उससे ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता उसको पहले कॉन्फिडेंस कम है या फिर उसके पास स्किल्स नहीं हुए थे इसलिए वो सोच रहा है ऐसा। लेकिन जो सेकंड वाला बंदा जो 50,000 में है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्किल्स है कॉन्फिडेंस है क्योंकि स्किल्स के द्वारा ही कॉन्फिडेंस आएगा तो उसे लग रहा है कि वो एटलीस्ट वो निकलने के बाद भी अर्निंग कर पाएगा कर सकता है। सेम इसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं
एज अ टॉप में पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको एक ऐसी कंडीशन पता होनी चाहिए या उनको ऐसा अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बना फिट करना चाहिए जिससे कि वो कोई भी चेंज को अडॉप्ट कर सके। यहाँ पर लिखा क्लियरली, वेयर फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बट दोज हु कैन चेंज एंड अडॉप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। मैनी बिजनेस जायंट्स हैव फॉलोड द पथ ऑफ एक्सटिंक्शन फॉलिंग टू मैनेज ड्रास्टिक चेंजेस फेलिंग टू मैनेज मैनेज ड्रास्टिक चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो बजाज स्कूटर्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा मतलब उनके प्रोडक्ट को एटलीस्ट एज अ साइड रखने के बाद उन्होंने अदर प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लाया, उन्हें लॉन्च किया और देन उसके बेसिस पर सर्वाइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो बजाज स्कूटर्स जो कि अब अपने हाल फिलहाल वर्किंग में नहीं है, यूज भी नहीं है, आप देखेंगे एनवायरमेंट एकदम चेंज हो गया है, उस टाइप के स्कूटर की बजाय स्कूटी आ गई है। तो बजाज स्कूटर एज अ उस टाइम में एकदम टॉप में था, बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही थी, मतलब हर जगह हर घर में मतलब एक बार एटलीस्ट आप सब देखी जा सकती थी। और एल एम एल स्कूटर जो है उनके मैं अगर पिक्स दिखा दे रहा हूँ आपको शायद याद आ जाएंगी क्योंकि बजाज स्कूटर तो मेनली सब जानते होंगे। तो अगर इनकी बात की जाए तो या फिर और एग्जांपल देखा जाए फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मर्फी रेडियो दीज आर दी टाइप्स मर्फी रेडियो, पुराने जमाने के रेडियोस, ये काफ़ी ओल्ड में है। देन बीपीएल टीवीज इस टाइप की बीपीएल टीवीज होती हैं। देन नोकिया यू नो एंड कोडाक, अब कोडाक आपको बताना है कि मीन्स होता क्या है और नीचे कमेंट करना है एंड सो ऑन। मतलब ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया जो आई थिंक अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कंपनीज जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। और अगर नोकिया की बात की जाए, नोकिया अपने कीपैड से काफ़ी टच स्क्रीन में चेंज हो गया है, तो एक प्रकार से कीपैड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, तो मतलब केवल वो दौर नहीं चला, एज अ प्रेफरेंस चेंज हुआ और उनको एज अ मेन प्रोडक्ट को साइड में करते हुए किसी नए प्रोडक्ट नए मार्केट पर फोकस किया उन्होंने। तो बिजनेस फॉलो एज अ स्टेज ये सब चेंजेस हुए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हुए। सो बिजनेसेस फॉलोस द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लॉस लूज एंड ओनली इन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस। व्हाट डू मीन बाय विन विन सिचुएशन अराइजेस? ऐसी सिचुएशन होती है, मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि एक ऐसा गेम भी होता है जहां पर कोई भी नहीं जीतता, सॉरी कोई भी लॉस लूज नहीं करता, जीते से सब है लेकिन कोई भी लूज नहीं करता, ऐसा गेम। विन सिचुएशन में ऐसा गेम जहां पर कोई भी नहीं हारता, सब कुछ को जीतते हैं। तो बिजनेस फॉलोस द वॉर प्रिंसिपल, जहां हार जीत हो, केवल हार, आप हारो ही या जीतो ही, दो ही कंडीशन है। बट कभी कभी होता है जहां पर कोई नहीं हारेगा, सभी जीतते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस, हेंस ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस वॉरफेयर मीन्स स्ट्रगल इन ऑर्डर टू विन। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव अगर एडवांटेज क्रिएट करना है या फिर उनको जीतना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसी स्ट्रगल के लिए उन्होंने वो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। दिस कैन बी डन ओनली बाय फॉलोड प्रोसेस ऑफ स्ट्रेज मैनेजमेंट, यस जो मैंने बोला। देन स्ट्रेटजिक एनालिसिस फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजीज, ये सब करना पड़ेगा।
कोई वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको उन मतलब उन वर्ड को भी वेरीफाई सॉरी क्लेरिफाई करूंगा। सो मेजर स्ट्रेटेजिक आर बेनिफिट्स क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स आर डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। पहली बात, कोई भी आप प्लान करते हैं तो प्लान आपको वे दिखाता है रास्ता, ठीक है। बेनिफिट्स क्या, मेजर बेनिफिट्स, आपको ये वर्ड इन सेंटेंस समझते हुए चलना है। डिफाइन करते हैं गोल एंड मिशन, कोई भी आप प्लान बनाते हैं मिशन गोल तो बनाते हैं। गोल मीन्स लॉन्ग टर्म, मिशन मीन्स होता है आपको क्या, आप कहाँ पर हैं और किस तरह पहुंचेंगे वहां पर। गोल आपको कहाँ जाना है, सपोज एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ, आगे भी समझाऊंगा। सपोज ये है कि मिशन, मिशन मीन्स आप यहाँ पर हैं, इस यहाँ पर हैं, आपको कैसे जाना है, इस रास्ते से होते जाना है, या फिर इस रास्ते से होके जाना है, या फिर इस रास्ते से होके जाना है। और ये सभी रास्ते कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। तो ये हो गया गोल, मतलब आपको आप प्रेजेंट में कहाँ हैं, किस रास्ते जाना है, यानी कैसे जाना है, और वो तो होगा मिशन। बट गोल क्या हो गया, लास्ट एम, ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत बार वर्ड आता है। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है शॉर्ट टर्म गोल्स। जैसे ये आप यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ आपने ये रास्ता अपनाया, तो यहाँ जानिए, तो पहले यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ पहुंचना है, फिर यहाँ पहुंचना है, फिर गोल में पहुंचेंगे। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। सो इट हेल्प्स मैनेज टू डिफाइन द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव कैसे, जब आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, तो ऑब्वियस बात है आप रियलिस्टिक एक व्यू मिलता है। एंड गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल विच आर इन लाइन विद द विजन एंड विजन ऑफ द कंपनी। अब इस वर्ड को भी मतलब क्लेरिफाई कर देता हूँ, विजन, विजन मीन्स होता है व्हाट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। गोल तो कहाँ पहुंचना है, सपोज यू आर इन, यू हैव टू बिकम अ सीए, बट विजन एक प्रयास होता है कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है लाइफ में, तो इसीलिए आप सीए कर रहे हैं, आपको अर्न कमा, पैसे अर्न करने तो आप कमा करने कर रहे हैं, तो इसलिए ये विजन हो गया। बट अगर आपको सीए बनना है तो गोल हो गया, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो गया आईपीसीसी सी इंटरमीडिएट सीए फाउंडेशन, मतलब अगर लाइन से बोल गया सीए फाउंडेशन सीपीटी देन आर्टिकलशिप आईपीसीसी देन आर्टिकलशिप देन सीए। सो और अगर मिशन की बात की जाए तो कैसे बनना है, एक तो कॉलेज एग्जाम की तरह हो सकता है, या फिर एक डायरेक्ट एग्जाम देते हुए उस प्रकार बन सकते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू, यहाँ पर रूट क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, कॉलेज का थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप सीधे आईपीसीसी में इंटर एग्जाम दे सकते हैं, इंटर के एग्जाम, ये कंडीशन अभी आप फुल कंडीशन होती है। ग्रेजुएट ग्रेजुएट होना जो बहुत जरूरी है, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन या सीपीटी का एग्जाम ना देकर सीधे सीए इंटरमीडिएट में एग्जाम देते हैं, उसका भी थोड़ा अलग प्रोसेस है ट्रेनिंग का, वो बाद में कहीं आप सर्च कर सकते हैं। और एक होता है कि आप सीए फाउंडेशन दिए या फिर सीपीटी, देन उसके बाद आप इंटरमीडिएट में गए, तो ये दो रास्ते हो गए। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी पहले से प्लान्ड, रिएक्टिव यानी अडॉप्ट करना कोई भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में। तो जितना ज़्यादा हम थिंकिंग करके, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट को समझते हुए बनाएंगे कोई भी प्लान, वो और ज़्यादा अच्छे से प्लान होगा, प्लान मतलब और अच्छे से प्रिपेयर होगा। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है प्रोएक्टिव में। मैं फिर थोड़ा लॉजिकली ले जाना चाहूँगा, आप लॉजिकली सब ध्यान रखेंगे ज़्यादा देर तक क्या जाएगा, और ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ईजी है चैप्टर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स प्लान्ड, स्ट्रेटेजी मीन्स होता है खुद गेम प्लान, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजी कैसे मैनेज करते हुए एक प्रॉपर प्लान बनाना, और प्रॉपर प्लान कैसे बनेगा, स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व है क्या क्या इन्वॉल्व है, हमने ऊपर पढ़ा भी, उसकी डिफिनेशन पढ़ा,
चलो ठीक है, उसको और ज्यादा इजी करते हुए ये मैं बता जाऊंगा कि फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, इवेल्यूट करना और कंट्रोल करना, अगर आप ये प्रोसेस अपनाते तो ही आपको एक प्लान मिल जाता पूरा। अगर आप इतने प्रोसेस कर रहे हैं, ये चार प्रोसेस भी कर रहे हैं ना, तो आपको एक प्रकार से प्लानिंग प्लान आपको ये मिल जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, रिएक्टिव अडॉप्ट करना जो भी चेंजेस हो रहे हैं, देन ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, उनको अडॉप्ट करना जो कि आप फ्यूचर को शेप करते हैं, सेप करते हैं, सेप शेपिंग आपको सेप फ्यूचर को आकार देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एंड एक्शन एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बींग ओनली स्पेक्टेटर। सो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन न केवल आप अगर सपोज केवल रिएक्टिव है तो केवल आप रिएक्टिव है तो उस कंडीशन में आप केवल रिएक्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई प्लान नहीं रहेगा ऑलरेडी तो कि आप उस पर कुछ कर सकें। बड़ी कंडीशन भी हो सकती है, छोटी कंडीशन भी होता है एनवायरमेंट का हो सकता है। सो आप उस केस में क्या हो सकते हैं, केवल एज अ स्पेक्टेटर केवल एनालाइज कर सकते देख सकते हैं कि आखिर सिचुएशन में क्या हो रहा है, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्शन तभी ले पाएंगे जब आप प्रोएक्टिव हो। ठीक है, देयर बाय दे आर एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेंसिटी डेस्टिनी इन द बेटर मैनर। डेस्टिनी मीन भाग होता है। सो अगर आप पहले से प्लान्ड हैं तो आप अपने अपने फ्यूचर को अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, भाग्य को या डेस्टिनी को। सपोज आप ये कर रहे हैं तो अगर आप पहले से प्लान्ड है कि आपको इस तरह करना है, इसके बाद ये कोचिंग लेंगे, इसके बाद इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा यूट्यूब से पढ़ लेंगे, अगर आप पहले से प्लान्ड है तो आपको अपने फ्यूचर को आप अपने मे एग्जाम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे कि कब एग्जाम देना है कैसे देना है। इट हेल्प्स देम इन वर्किंग विथ इन वेजरीज मीन्स अनसर्टेनिटीज, और अनसर्टेनिटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्या, प्रोएक्टिव। एक तो हो गया इसमें हेल्प करता है प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिएक्टिव, देन एनालाइज एक्शन टेक्स बींग स्पेक्टेटर से, देन देयर कंट्रोल एंड ओन बेटर कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी बेटर मैनर। ओके, एंड हेल्प इन वेजेस विथ इन वेजेस ऑफ एनवायरमेंट शेपिंग इट, मतलब अनसर्टेनिटी को ज्यादा से अच्छी तरह से शेप करने में और समझने में हेल्प करता है। सीधे सीधे वही जो मैंने अभी तक बताया आपको डीपली। स्ट्रेचिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज डिसीजन ऑन बिजनेस प्रोडक्ट्स मार्केट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशल पॉइंट व्हाट इज ट्राइंग टू डू। पहले तो ये फ्रेम पर वर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से कॉर्पोरेट के द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद क्या है। अगर आप गोल ऑब्जेक्टिव्स विजन मिशन ये सब बना कर रखें और एक तरह से किस टाइम में क्या करना है, कैसे और इंटरनली वर्क करना है एज अ डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉई एज अ सीईओ, देन तो एक तरह से सबको अगर पता है कि ये इस प्रकार इसकी अथॉरिटी है, इस प्रकार इसका अकाउंटेबिलिटी है, देन इस प्रकार इसको वर्क करना है, ये केवल यहाँ तक केवल अलाउ कर पाएगा वर्क करने के लिए। एग्जांपल अगर लिया जाए तो आप किसी परचेज के बारे डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं, केवल ये परचेज कर सकता है, तो आप फिक्स है कि इस आप उसके पास नहीं जाना क्योंकि ये काम उससे एकदम अलग है, या फिर उस परचेज नहीं करना है, या परचेज करना तो फिक्स सेट करना है। तो परचेज का डिपार्टमेंट हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए हो केवल, या फिर केवल जिससे कंपनी डील कर रही है उस प्रोडक्ट के लिए हो, के लिए दूसरा डिपार्टमेंट हो, मतलब एक फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी तैयार हो जाती है इससे। ठीक है, सो फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज सच एज डिसीजंस ऑन बिजनेसेस प्रोडक्ट्स मार्केट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
तो ये जब वर्ड है ये बिजनेस प्रोडक्ट के लिए हो गया, मार्केट के लिए हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए अलग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस चीज से डील करेगा, या कौन सा पर्सन किसके लिए लायबल होगा। इट प्रोवाइड बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्रूशल पॉइंट कि आखिर एनवायरमेंट या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाह रही है या उसे कहाँ पहुंचना है, तो क्या इस ये तरीका अपनाने से क्या वो पहुंच जाएगी नहीं। सो व्हाट इज ट्राइंग टू डू, ओके, स्ट्रेचिंग मैनेजमेंट सीक्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट एज पथ फाइंडर टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज अ पथ फाइंडर, यानी आपको एक वे जहां पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। आपको सपोज आपके पास स्ट्रेंथ है प्रेजेंट कंडीशन, उस स्ट्रेंथ को आप ज्यादा जितना अच्छे समझेंगे, अगर सपोज आपके पास एज ए स्टूडेंट नहीं, हम बिजनेस के एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हमें बिजनेस से डील करना है। सो अगर आप बिजनेस में हैं और आपके पता है आपके ज्यादा एम्प्लॉय अच्छे हैं इन द राइवल्स या कॉम्पिटिटर के मुकाबले, आपके पास अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डील में भेजेंगे, तो वो उतने ज्यादा डील या उतने ज्यादा सेल्स एक्वायर करके ही आएंगे। सो अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो इससे एक पथ मिल गया कि अगर सेल्स इसके कारण इंक्रीज नहीं हुई डिस्काउंट देने के कूपन देने से, तो कम से कम एम्प्लॉय को भेजकर या हाँ अपने सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे, यानी एक प्रकार से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में एक अच्छा रास्ता एज अ पथ फाइंडर वर्क करता है स्ट्रेच मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई वेज एंड मीन्स एज हाउ टू रीच देम, जो मैंने समझाया वही है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सर्व एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल। पिटफॉल में जो अचानक गलती होती है, अगर आप कोई भी अचानक प्लान बनाते हो उसमें बहुत सारी गलती आएंगी, बट कोई भी छोटी सब्जी प्लान देन उसको इम्प्लीमेंट करते हो देन इम्प्लीमेंट करते हो तो उसमें प्लान मिटफॉल या फिर मिस्टेक्स होने के कम चांसेस रहते हैं। सो अगर आप पहले से प्लान है सिंपल तो बेनिफिट ये रहेगा कि बाद में प्लान हो चांसेस कम है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प इन द एनहेंस द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, जितना अच्छा प्लान उतना अच्छी उसकी लॉन्गेविटी, मतलब लॉन्ग टाइम तक बिजनेस बिना किसी दिक्कत के वर्क कर सकता है और उतना ज्यादा इफिशियंट और इफेक्टिवली वर्क करेगा। विथ द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड डायनेमिक एनवायरमेंट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री मेक्स श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक, और साथ में ये भी बताता है कि एक फील कराता है कि हम केवल लक पे नहीं वर्क कर रहे, जो भी अचीव कर रहे हैं वो एक प्लान तरीके से कर रहे हैं और वो प्लानिंग हमको अपने गोल तक पहुंचाएगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टन कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स ऐसी कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो केवल एक एक्सपीरियंस से एक बेहतर डीलिंग या प्लान या स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने से केवल मिल सकती है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही नहीं जनरेट कर सकता। एग्जांपल कर दूं मैं तो कोई भी पर्सन होता है वो हार्ड वर्क करने के बाद अच्छा यूट्यूबर बनता है, कोई भी फील्ड में ले लीजिए, और एक कोई यूट्यूबर पहुंचा है उस फील्ड में उतना हाई लेवल पर, तो एज अ वर्कर सॉरी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते करते लोगों से डील करते हुए पहुंचा है और कस्टमर को अच्छी वैल्यू या सर्विस प्रोवाइड करने के बाद, तो वो उनके अंदर एक ऐसी हैबिट जनरेट हो गई। और कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होगा, एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट होता है जिससे वो अपने राइवल्स से अच्छा और जल्दी ग्रोथ करेगा और सर्वाइवल भी उसकी ज़्यादा रहेगी। सो स्टेज मैनेजमेंट फैसिलिटेट असिस्ट इन द फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो टिल नाउ 30 मिनट्स है कंप्लीटेड, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सो इफ यू हैव एनी डाउट
comment and to be continued next video. So stay connected and subscribe for more videos. Thank you.